एक बार एक गांव में एक बनिया था जो 5 रुपए की एक रोटी बेचा करता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी दाम नहीं बढ़ा सकता था। कुछ दिनों बाद राजा के पास बनिया पहुंचा और बोला, राजा जी मुझे रोटी का दाम 10 करना है। तो राजा ने बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। तो बनिया बोला, महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। तो राजा बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, अगर तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा, तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम 30 रुपए कर दिया और शहर में हाहाकार मच गया और सभी जनता राजा के पास पहुंची। और जनता ने राजा को कहा कि महाराज यह बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उसे गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंच, राजा ने गुस्से से कहा, गुस्ताख तेरी यह मजाल, तूने मुझसे बिना पूछे दाम कैसे बढ़ा दिए, यह जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिया को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब नतीजा सुनिए। अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। निष्कर्ष यह निकलता है, जनता को मूर्ख बनाने में माहिर को ही जनता कुशल शासक मान लेती है। अगर आपको इन सब में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।